साल 1906 के पहले अगर आप मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इन तीनों शहरों के बीच में ट्रैवल करते तो आपको अपनी घड़ियां वहां पहुंचने के बाद में एडजस्ट करनी पड़ती, क्योंकि इंडिया में 3 टाइम जोन्स हुआ करते थे और हर टाइम जोन के बीच में अराउंड 1 घंटे का फर्क हुआ करता था। बाद में इसे यूनिफॉर्म कर दिया गया और पूरे देश के अंदर आज हम एक ही टाइम जोन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वजह से खड़ी हुई दिक्कतों के वजह से फिर से देश के कई इलाकों से टाइम जोन्स चेंज करने के लिए डिमांड की जा रही है। और क्या हमारे देश के पास में मल्टीपल टाइम जोन्स होने चाहिए, इससे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और क्या फायदे होंगे, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, सिर्फ लेंथ में नहीं बल्कि हमारी विड्थ, अगर हम गुजरात से लेकर हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तक देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके वजह से मल्टीपल लॉन्जिट्यूड्स हमारे देश के अंदर से पास होते हैं। अब यहाँ पर खड़े होने वाली दिक्कत की बात करें तो स्टेट्स जैसे मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और कुछ केसेस में लक्षद्वीप, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। और जो पहले मैंने स्टेट्स मेंशन किए नॉर्थ ईस्ट और अंडमान के, ये हमारे वेस्टर्न देश से काफ़ी ज़्यादा दूर है अगर हम ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस को मेजर करें तो। अब इस बहुत बड़े गैप की वजह से दिक्कत ये आती है कि हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर भाग है वहाँ पे जो सनराइज सनसेट का टाइमिंग है वो कंपैरेटिवली इन स्टेट्स के लिए बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे टाइमिंग्स ठीक से सेट नहीं हो पा रहे। मेरा मतलब है कि ईस्टर्न भागों में सूरज ज्यादा जल्दी निकलता है और ज्यादा जल्दी डूबता है। एग्जाम्पल, अगर मुंबई के अंदर सूरज शाम को 6-6:30 बजे के आसपास डूबना शुरू होता है तो उसी समय पर 4:30 बजे तक ही नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के अंदर अंधेरा हो जाता है। वही अगर सुबह के समय की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 4, 4:30 और मैक्सिमम 5 बजे तक पूरा उजाला हो जाता है, जबकि कई सीजन्स में हमारे यहाँ पर अगर हम वेस्टर्न कोस्टलाइन की बात करें तो वहाँ पर सूरज निकलते निकलते 6:30-7 भी बज जाते हैं। तो हर रोज जो ज्यादा इम्पोर्टेंट समय होता है उजाले के साथ में खेतों में काम करने का, बाहर निकलने का, वो 1-2 घंटे हर रोज यहाँ पर वेस्ट हो जाते हैं। शाम को ज्यादा देर तक काम करने की वजह से बिजली का इस्तेमाल भी इन देशों के भागों में ज्यादा होता है और कई सारे काम जो है वो नेचुरल स्लीप साइकिल के कंपैरिजन में लेट होते हैं। इसके कारण इन स्टेट्स ने दिन में उजाले के समय पैसे बच पाए, समय बच पाए, लोगों की एनर्जी बच पाए, इसके लिए एक अलग टाइम जोन डिमांड किया गया है। और अगर टाइम जोन नहीं दिया जा सकता तो एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में डेलाइट सेविंग्स टाइम नाम का कंसेप्ट इंस्टॉल किया जाए, ऐसा कहा गया है। डेलाइट सेविंग टाइम्स का मतलब साल में 2 बार जब सीजन्स चेंज होते हैं, जब हम गर्मियों से विंटर्स की तरफ ट्रांजिशन करते हैं, उस समय पर उस पर्टिकुलर एरिया की घड़ी जो है वो 1-1.5 घंटे आगे कर दी जाएगी, जिसके वजह से जो जनरल समय हुआ करता था सनराइज का उजाले के कंपैरिजन में, वही पूरे साल मेंटेन हो पाया। और जब फिर से विंटर टू समर ट्रांजिशन होगा तो घड़ियां 1-1.5 घंटे पीछे ले ली जाएगी। तो ये कंसेप्ट लागू करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफी लंबे समय से डिमांड की गई है। तो देखते हैं अगर इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि अगर डेलाइट सेविंग टाइम्स या पूरा टाइम जोन चेंज कर दिया जाता है। पहला बेनिफिट होगा मैन आवर्स का वेस्ट नहीं होना। आज जो सुबह या शाम के समय अंधेरा होने के बाद में लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है वो इन टाइम जोन्स के चेंज करने वजह से इतनी ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा जो बेनिफिट मिलेगा वो होगा थोड़ी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होना, क्योंकि ज़्यादातर काम उजाला होते समय ही कर लिए जाएंगे तो कमर्शियल स्पेसेस पे, ऑफिशियल स्पेसेस पे बिजली का इस्तेमाल कम होगा। ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि ज़्यादा अंधेरा होते समय लोग एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते, इसके वजह से ओवरऑल जो आउटडोर वर्क वाला सेक्टर है यहाँ पर भी एफिशिएंसी बढ़ सकती है इन डेलाइट सेविंग टाइम्स की वजह से। अब समझते हैं क्या नुकसान हो सकते हैं इन टाइम जोन्स को चेंज करने की वजह से अगर इंडिया को एज अ होल कंट्री हम कंसिडर करें। पहली जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो रहेगी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। जिस भी बॉर्डर लेवल पे टाइम जोन्स चेंज होंगे वहां पर काफी दिक्कतें प्रोड्यूस होंगी, कंट्री केओस में चला जाएगा। दूसरी बात रहेगी जो ट्रांजिशन होगा उस पॉइंट पर काफी ज्यादा लॉस ऑफ मनी देखने के लिए मिल सकता है उन इंडस्ट्रीज के लिए जो अलग अलग पॉइंट्स पर ऑपरेट करती है, चाहे वो बैंक्स हो जो पूरे देश में इंटरकनेक्टेड है, कई सारे कमर्शियल सेक्टर्स हो और ऐसी दूसरी चीजें। एक बहुत बड़ी दिक्कत जो आएगी वो होगी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, एयरलाइंस और स्पेसिफिकली कहे तो हमारी रेलवे, जो आज भी उनके सिग्नलिंग वगैरह में टाइम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, स्पेसिफिकली लोकल इंडियन टाइम का,
इसकी वजह से अगर कोई भी ह्यूमन एरर आता है टाइमिंग्स को एडजस्ट करने में बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, तो उस टाइम पर बड़े एक्सीडेंट्स होने की संभावना है। इसके बाद में मास कंफ्यूजन अगर लोगों के अंदर होता है तो वो भी कई सारी दिक्कतें खड़ी कर सकता है। साथ ही अगर दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो हेल्थ हैजार्ड्स भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ साइंस ग्रुप्स के द्वारा कहा गया है। डेलाइट सेविंग टाइम साल में दो बार इंप्लीमेंट करने की वजह से लोगों की स्लीप साइकिल बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होती है। नॉर्मली इंसान का स्लीप साइकिल हर एक आदमी के लिए अलग तरीके से सेट होता है, लेकिन अगर आपको ड्रास्टिकली साल में दो या तीन बार अपनी पूरी की पूरी स्लीप साइकिल चेंज करनी पड़े तो उसका असर ह्यूमन बॉडी पे काफी बुरा होता। तो फाइनली क्या इंडिया को अपने टाइम जोन्स चेंज करने की जरूरत है या नहीं? आज के डेट की बात करें तो हमें जरूरत नहीं है। जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती है लंबे एरिया में एक ही टाइम जोन होने के वजह से, वो नॉर्मल चीज़ों से भी सॉल्व की जा सकती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में स्कूल्स कंपैरेटिवली देर से ज़्यादा जल्दी खुलते हैं, खेतों के अंदर चाय बागान टाइम नाम का एक सिस्टम इस्तेमाल होता है जहाँ पर बहुत जल्दी वहाँ के लोग अपने आप से काम करने के लिए निकल जाते हैं और सिर्फ ऑफिशियल कामों के लिए हमारी जो जनरल IST वाली घड़ियाँ है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम्स है प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वो वैसे भी सॉल्व किए जा सकते हैं, और सिर्फ ऑफिशियल कामों के लिए थोड़े से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो भी लोग यूज टू हो जाते हैं। इसकी वजह से आज एक प्रायोरिटी नहीं है एरियाज के अंदर नए टाइम जोन्स दिए जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में।